राजधानी दिल्ली में झुलसा देने वाली गर्मी के साथ ही सियासी तपिश भी महसूस की जा रही है। सातों लोकसभा सीटों पर चुनावी दंगल दिलचस्प है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भी मुकाबला रोमांचक है। इस बार चुनावी लड़ाई बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ राहुल डबास और चुनावी समर है पूरे देश में और न्यूज नेशन है चुनावी सफर पर। चुनावी सफर पर 24 के अखाड़े में हम आ पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र, जिसकी पहचान मेरे पीछे मौजूद अक्षरधाम मंदिर है और जहां NH24 यानी देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे पड़ता है। 20 लाख मतदाता है जिसमें से 18.9% मुस्लिम है और लगभग 15% दलित भी आते हैं। 3% के आसपास यहां पर सिख समुदाय के लोग भी हैं। पिछली बार जो सांसद विजयी हुए थे यानी गौतम गंभीर, उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। वीके मल्होत्रा के साहबजादे बीजेपी के टिकट पर हर्ष मल्होत्रा चुनावी मैदान में हैं और उनकी टक्कर है इंडिया अलायंस यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी यानी कुलदीप कुमार के साथ। कुल मिला के उम्मीदवार बहुत सारे हैं लेकिन सीधी टक्कर आप और कांग्रेस बनाम भाजपा की नजर आती है। 24 के अखाड़े में अपने सफर की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यमुना पार यानी पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र में वोटर्स का मूड आखिर है क्या। पूर्वी दिल्ली राजधानी का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए यहाँ राजनीतिक समीकरण साधना सियासी दलों के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। बीजेपी ने इस बार यहां हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार मैदान में हैं। चुनावी बिसात बीत चुकी है और पूर्वी दिल्ली के मतदाता उम्मीदवारों को अपनी कसौटी पर कसने के लिए तैयार हैं। महिला इस बार क्या सोच रही हैं, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में थी और अगर लोकसभा की बात करें सातों सीटें बीजेपी के पास गई थी। इस बार स्थिति क्या है, क्या इशू है, क्या मुद्दे हैं, महिलाएं क्या सोच के वोट डाल। सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो पानी की है। जल बोर्ड हमारे घर के बिल्कुल पास में है, उनसे कंप्लेंट करने जाते हैं, वो कंप्लेंट तो सुनते हैं बट लेकिन वो कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं और जबकि जल हमारे लिए सबके लिए बहुत नेसेसिटी है। जल है तो कल है, लेकिन महंगाई की भी बात आ रही है। राहुल गांधी कह रहे, केजरीवाल कह रहे भैया महंगाई बहुत है। अब महंगाई तो है लेकिन ठीक है, अगर देश ठीक है तो महंगाई भी झेली जाएगी ना। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित हैं। जो आपका ये संसदीय क्षेत्र है, इसकी एक तरफ गौतम बुद्ध नगर है, दूसरी तरफ गाजियाबाद है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर महिलाओं के लिए बड़ा इशू है। यहाँ पर कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं महिलाओं को देखते हुए? देखिए, जैसे हमारे पास में यहाँ पीछे ही शराब का था ठेका, हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाते थे। पूरी रोड पर ऐसे लोग खड़े रहते थे पी पीकर बोतलें हाथ में लेकर, रोड की पड़ी हैं बोतलें। हमारे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल था, मुश्किल क्या हम कहेंगे, दूभर था। लेकिन अब देखिए हम लोग आराम से निकलते हैं, ठेके बंद हो गए हैं। केजरीवाल ने क्या किया, जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए, स्कूलों के पास ठेके खुलवा दिए। हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं कि बच्चे अपना भविष्य बनाए, लेकिन वो क्या, वो ठेकों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं बना रहे हैं, वो अपने साथ साथ हमारा भविष्य भी खराब कर रहे हैं। बहुत ही ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली का भाई कहते हैं, उनकी अपनी राज्यसभा सांसद, उनकी अपनी बनाई हुई दिल्ली वुमेन कमीशन की एक्स चेयरपर्सन, उनके साथ ये दुर्व्यवहार होता है। और कहाँ होता है, खुद सीएम साहब के घर पे उनके अपने पीएस के द्वारा। बहुत दुर्भाग्य है कि वो अपनी पीसीओ पे कॉल तो कर पाती हैं पर 3 दिन उनको ये लग जाते हैं माइंड मेकअप करने में कि वो आकर के उसकी पुलिस कंप्लेंट करें। पर उन्होंने करा, मैं उसकी उनकी इस हिम्मत का जवाब देती हूँ। बट क्या उस महिला के मन में फीलिंग्स रही होंगी, कितनी दुष्भावनाओं से वो निकली होंगी जो कल वो हिम्मत कर पाई रात को कंप्लेंट करने की। यहाँ के मुद्दे क्या है पूर्वी दिल्ली? पूर्वी दिल्ली के अंदर हमारी दो प्रमुख प्रॉब्लम्स रही हैं। यहाँ पर पानी की लाइन, जैसे मेरी बहन ने अभी कहा, हमारे यहाँ एक टेक्निकल इश्यू है। लगभग 40 साल पहले ये पानी की लाइन्स पड़ी थी। हमारे यहाँ सीवर लाइन्स ऊपर हैं और पीने के पानी की लाइन उसके नीचे है। क्योंकि पुरानी हो गई है, दोनों लाइन्स रप्चर हो गई हैं और आपस में मिक्स हो रही हैं। इन्फिल्ट्रेट होता है पानी, जिससे कि साफ पानी नहीं पहुंच पाता है, मलबा गिर जाता है तो मोटर भी पानी खींचने में असक्षम हो जाती है। बहुत नेसेसरी है कि इमिजिएटली एक फास्ट ट्रैक के साथ यहाँ पर पानी की लाइन्स बदलने का काम किया जाए। बीते 4 लोकसभा चुनावों में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला रहा है।
2004 और 2009 में कांग्रेस को कामयाबी मिली तो 2014 और 2019 में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की। पिछले चुनाव में बीजेपी के गौतम गंभीर यहाँ से सांसद चुने गए। गंभीर को 6,96,156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली 3,04,934 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि आम आदमी पार्टी की आतिशी को 2,19,328 वोट मिले। गौतम गंभीर ने ये सीट 3,91,222 वोटों के अंतर से जीती थी। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव मैदान में है, लिहाजा विपक्ष को बेहतर नतीजों की उम्मीद है। लेकिन बीजेपी कैंडिडेट को पीएम मोदी के चेहरे और केंद्र सरकार के 10 साल के कामकाज की बदौलत कामयाबी का भरोसा है। हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। हर्ष जी, बीजेपी की 7 सीट थी, बीजेपी के पास सब कुछ है, लेकिन अगर सीटें कम होती है तो किस तरह से स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पिछली बार गठबंधन नहीं था, इस बार है। दिल्ली में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है और पूरे देश में भी एनडीए 400 पार कर रही है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। दिल्ली की जनता जिस हिसाब से समर्थन दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, विशेष तौर से मैं लगभग पूरी पूर्वी दिल्ली 2 बार या कुछ इलाकों में तो 3-4 बार भी जा चुका हूँ। दिल्ली की जनता का अभूतपूर्व समर्थन, पूर्वी दिल्ली की जनता का अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सर, यहाँ हमने जब लोगों से बात की, लोगों ने कहा पार्किंग की समस्या है, लोगों ने कहा जल बोर्ड की भी समस्या है, अगर आप सांसद बन के जाते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में? इसी कारण से, पानी की समस्या और पार्किंग की समस्या के कारण से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं नहीं है। पानी की समस्या तो, फ्री पानी नहीं चाहिए लोगों को, साफ पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी आए तो सही, आए तो साफ आ जाए। और पार्किंग तो दिल्ली सरकार और नगर निगम को देखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारा ये प्लान है, मैंने कल संकल्प पत्र में भी कहा है, कड़कड़ुमा हो, गांधीनगर हो, किशन नगर में हो या लक्ष्मी नगर में हो, हम मल्टी लेवल पार्किंग और स्टैक पार्किंग की व्यवस्था डीडीए लैंड पे भी करेंगे। तो गठबंधन से चुनौतियां बड़ी है क्या? महंगाई के मुद्दा उठा रहे हैं, अगर राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस और आप साथ में आए। गठबंधन से कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां पर इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कोंडली से विधायक भी हैं। जनता उनसे पूछ रही है कि 500 स्कूल का वायदा केजरीवाल ने किया था तो 7 स्कूल तो कोंडली में बनते थे, एक भी स्कूल नहीं खुला। 20 कॉलेजेस जो वायदा था, 1 कॉलेज तो पूर्वी दिल्ली में खुलना चाहिए था। 20 अस्पतालों का वायदा था, 1 अस्पताल तो पूर्वी दिल्ली में खुलना चाहिए था। सड़कों की हालत जर्जर है, पार्कों की हालत उससे भी ज्यादा जर्जर है। मोदी की गारंटी के मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल का गारंटी का प्रचार कर रही है। इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट अपने अनुभव और समस्याओं की समझ का हवाला देकर सियासी जंग में फतह हासिल करने का दावा कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी प्रत्याशी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली की, क्योंकि यहाँ से जो पिछली बार चुनाव लड़े थे गौतम गंभीर, इस बार तो उन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसी कैसी टक्कर देखते हैं इस बार? संन्यास ले लिया, उनका टिकट काट दिया गया, उससे पहले भी एक बार टिकट काट दिया गया महेश गिरी का। 5 साल जनता के बीच में लोग आए नहीं, जनता से इनको कोई वास्ता नहीं था। अब पूर्वी दिल्ली के लोगों ने, इन्होंने पूर्वी दिल्ली के लोगों को धोखा देने का काम किया है। अब पूर्वी दिल्ली के लोग इनके धोखे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने बेटे, अपने बीच के जो उनका उम्मीदवार है कुलदीप कुमार, उसको लाने का काम करेंगे। मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका भाई हूँ, वो मुझे अब की बार यहाँ लाने काम करें, क्योंकि आज दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल मॉडल ने किया है, दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी बहनों को 1,000 रुपए की हर महीने की सौगात देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, दिल्ली के लोग अब की बार अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से विधायक है, 10 विधानसभा सीटें आती है, यहाँ के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नब्ज आप पहचानते हैं, जिसके आधार पे आपको लगता है कि आपके काम पे वोट मिलेगा और आप परिवर्तन लेकर आए? आज तक इस दिल्ली के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं आ पाया, एम्स नहीं आ पाया, हम एम्स की लड़ाई लड़ेंगे हलाने की। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर साउथ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, ईस्ट कैंपस नहीं है, उसकी बात करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, उसको ठीक करना है, उसको उसमें काम करेंगे। बहुत इलाके ऐसे हैं जो जमीन है डीडीए की, वहाँ हॉस्पिटल बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं, लाइब्रेरीज बन सकती हैं, लेकिन वो नहीं बन पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एफर्ट नहीं किया। अब वो एफर्ट करेंगे, उसको काम करने का काम करेंगे, आगे बढ़ने का काम करेंगे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण भी चुनावी जंग को दिलचस्प बनाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 15% एससी वोटर हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 12% है। वैश्य समाज के वोटर भी करीब 12% हैं, 10% ब्राह्मण और 8.5% गुर्जर वोटर भी निर्णायक भूमिका में है।
पूर्वी दिल्ली में व्यापारी तबका भी सियासी लिहाज से काफी अहम है। तो राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, उसके आधार पे भी लोग मतदान करेंगे। मुद्दा तो है, लेकिन बेसिकली जो व्यक्ति शुरू से ही धर्म से जुड़े हैं, धर्म के कार्य करते आए हैं, उनके लिए ये मुद्दे प्रभु भी उनको अपनी शरण में ले ले। केजरीवाल कहते हैं कि मैं भी हनुमान का भक्त हूँ, या तो हनुमान और राम आमने सामने हो गए अगर मोदी जी और केजरीवाल की बात करें। देखो, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, वो अपने तरीके से चल रहे हैं, वो दुनिया का सोच के चल रहे हैं, दिल्ली को सोच के चल रहे हैं। इसलिए भावना सबकी शुद्ध है, भावना ही विद्यते देवा। इंसान की जैसी भावना होती है, देवता वैसे प्रसन्न हो। बिल्कुल, भावना पे सब कुछ निर्भर करता है। सर, आप भी पूर्वी दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी, यहीं हैं, यहाँ प्रधान हूँ मार्केट का। अच्छा, मार्केट का। अच्छा, मार्केट के लिहाज से, व्यापारियों के लिहाज से क्या यहाँ पे इश्यूज है? जब व्यापारी वोट करेंगे तो क्या सोच के करेंगे, जीएसटी या क्या चीज़ें? देखो जी, व्यापारी तो शुरू से रोता आया, आज तक रोता रहेगा, ठीक है ना जी। उसको तो खुश कोई रोता नहीं है, टैक्स सारे लेते हैं। अब इस मार्केट की बात अगर कर लें तो सब कुछ तो ले रहे हैं। क्या सुविधा आपके सामने, आप खुद घूम रहे हैं, कैमरे आपके पास है, देख लीजिए क्या सुविधा हमारे पास, आप खुद देख लीजिए। पानी हमारे पास नहीं है, टॉयलेट हमारे नहीं है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर पानी ना हो, किसी मार्केट के अंदर किसी बाथरूम ना हो, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम कह रहे हैं कि हमने लाखों करोड़ों बना। पार्किंग की भी काफी समस्या है। पार्किंग तो चलो झेल सकते हैं, सिक्योरिटी झेल सकते हैं, आदमी अपने लेवल पे भी कर सकता है, लेकिन पानी, टॉयलेट, सरकारी जो चीजें हमें हेल्प चाहिए, वो चाहे कोई भी सरकार हो इस देश के अंदर। गांव गौतम गंभीर जी से बड़े वादे करे थे उन्होंने हमारे पास, आए थे मार्केट में, वो कह रहे देखो मैंने NH-24 चौड़ा करवा दिया, पार्किंग बनवा दी। हमारे मार्केट के लिए क्या चाहिए? हमारे क्लाइंट आएंगे, उनको क्या चाहिए? सुविधा चाहिए, एरिया बाथरूम सामने 10 कदम की दूरी पे बंदा जो है उधर को देखेगा भी नहीं। देखो ये सुविधा चाहिए ना मार्केट वालों को, क्या चाहिए हमें? लेकिन हकीकत में गौतम जी से बहुत उम्मीद थी, उन्होंने तो आके 5 साल में गुजर निकल लिए वो, लेकिन इधर नहीं आए। दिल्ली की राजनीति हमेशा अलग अंदाज और मिजाज के साथ चलती है। इस बार यहाँ 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। नेता मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, तो जनता भी नया सांसद चुनने से पहले हर पहलू का आकलन करने में जुटी है। कैसा माहौल है यहाँ पे, कुछ बदलाव हुआ है, विकास हुआ है? कुछ नहीं बदलाव हुआ, जो भी होगा केजरीवाल के साथ ही होगा, दूसरे के साथ नहीं जाएगा। तो लगता है कि केजरीवाल और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो विजयी हो सकता है? एकदम विजयी होगी, 100% विजयी होगी, क्यों नहीं। आप बरियारी हमको जेल में डाल देंगे तो इसका ये थोड़े नियम है कि कहीं भी आप तो जेल का बदला वोट से लिया जाए। जी, जेल के बदला वोट से लेंगे, आप बढ़िया से लेंगे। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल, केजरीवाल के झाड़ू चल रहे और स्वास्थ्य के स्तर पर और शिक्षा के स्तर पर केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा वोट केजरीवाल को जाएगा, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत बीमार थी, मैंने कई सारे इलाज करवाए, कई सारे रिपोर्ट दिए, केजरीवाल मेरे लिए बेस्ट। मोहल्ला क्लिनिक में काम हो रहा है? मोहल्ला क्लिनिक में पहले जो काम हुआ था, अब तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया उसे। पहले जो काम हुआ था, कई सारे रिपोर्ट से मेरे 2,000 रुपये की रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मोहल्ला क्लिनिक से हुआ है। जो मेरे साथ हुआ है मैं बता सकता हूँ। दिल्ली का माहौल, भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। आप एक बार कैसे लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है, वर्ल्ड लेवल पर बीजेपी ने अपना एक अच्छा भारत का मुकाम उसने स्थापित किया है, क्यों नहीं जीतेगी, आप बताइए। क्या लग रहा है यहाँ पर, केजरीवाल या केजरीवाल? केजरीवाल क्या लग रहा है, कैसा विकास हुआ है यहाँ पर आम आदमी पार्टी में? सही विकास हुआ यहाँ पे आम आदमी पार्टी में। तो लग रहा है जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ है बदलाव आएगा? वो सही, हाँ, सुपर हिट है। आपको लगता है कि बदलाव आएगा? सुपर हिट बदलाव आना ही है, बदलाव आना भी चाहिए। पिछली बार 7 सीटें बीजेपी जीत गई थी, इस बार कुछ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और है नहीं, देश में भाईचारा रहना चाहिए। यहाँ पे मुद्दे क्या है पूर्वी? मुद्दे तो भाई साहब कुछ भी नहीं है, मुद्दे तो सब अपना करना खाना ही है, मुद्दे कुछ नहीं, देख रहे हो आप जैसे भी कुछ है। अगर केजरीवाल के प्रत्याशी जीतते हैं तो क्या कुछ बदलेगा? भाई हम तो केंद्र के लिए बात कर रहे हैं, केंद्र में बदलाव आना चाहिए। दिल्ली में क्या बीजेपी जीतो कांग्रेस जीतो, कुछ केंद्र में बदलाव होना चाहिए बस। जो यहाँ पर जिस तरह की स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, बीजेपी सामने है, किस तरह की स्थिति लग रही है, किसका ज्यादा अच्छा काम? देखो काम तो केजरीवाल ने भी करे हैं, वो भी कर रहा है, अब वो जेल में है, अब देखो क्या जेल से बाहर आ गए, तो जो कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, ठीक है, और देखो क्या होता है अब। यहाँ पर किस तरह का माहौल लग रहा है, एजुकेटेड क्लास किस तरह से? कंपटीशन ही चल रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई अपनी आम आदमी को पार्टी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं देखो ऐसा नहीं गलत है, उन्होंने भी पब्लिक के लिए काम किए हैं, शिक्षा में, अपना बसों में, हॉस्पिटल में, हर जगह सपोर्ट कर रही है पब्लिक के लिए, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है पब्लिक के लिए,
पर जिस तरीके का आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे आपने जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री थे जेल में डाल दिया, तो लगता है कि दबाव की पॉलिटिक्स कुछ काम करेगी? दबाव कह सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि वो कुछ भी करा सकती है, वो इंटरनल हमें हमारी नॉलेज से बहुत परे है। वो तो क्या आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन की उम्मीद है? परिवर्तन तो बिल्कुल होगा, लेकिन कांटे की टक्कर रहेगी, वो देखो किसके फेवर में जाएगी। दिल्ली में गर्माते मौसम की तरह सियासी तापमान भी हाई है। मेट्रो से लेकर डीटीसी की बसों तक चुनावी चर्चा चल रही है। अगर एक वोटर के तौर पर बात करें तो क्या है यहाँ पर स्थिति? महिलाएं कितनी सुरक्षित है? महंगाई के कैसे हाल? महंगाई वगैरह है क्या? महंगाई तो है ही है। महंगाई की वजह से परेशानी है? तो क्या देखना चाहते हैं, इस बार परिवर्तन हो या नरेंद्र मोदी दोबारा हो जाए? केजरीवाल का कुछ माहौल लग रहा था दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से सत्ता चला रहे थे, अब तो खैर बाहर आ गए। शासन किसी का भी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकारी सिस्टम सही होना चाहिए, सरकारी सिस्टम सही ईमानदारी से काम करे, बाकी सरकार किसी भी पार्टी का हो कोई दिक्कत नहीं। वो तो 80 साल में बदला है क्या, ऐसे का ऐसा ही है? नहीं, कुछ बदलाव तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, बदलाव हुआ है। सरकार में बदलाव देखते हैं आप या केंद्र में मोदी या राहुल गांधी? केंद्र में तो मोदी ही ठीक है। तो ये वो मिडिल क्लास है जो वोट डालते हैं, जिसके आधार पर सरकार बनती है। युवाओं से भी बात कर लेते हैं भाई, एज ए यूथ क्या लग रहा है, क्या कुछ चेंज है एजुकेशन में, जॉब्स को लेकर? एजुकेशन में चेंज जो किया है वो केजरीवाल ने ही किया है, ठीक है। आपके आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल देख लो, मतलब उसने एकदम स्टैंडर्ड तरीके से सारे स्कूल वगैरह चेंज कर दिए। स्कूल्स में चेंज आया है, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, वो बेहतर है। हाँ, बेहतर है। तो दिल्ली में उम्मीद है, या फिर दिल्ली में विधानसभा के लिए अलग वोट होते हैं और लोकसभा के लिए अलग, या दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी का बेहतर है? वैसे तो इस बार माहौल जो है, इस बार चेंज ही लग रहा पूरा, क्योंकि राहुल जी की हवा लग रही है अब। राहुल गांधी की हवा है। पिछली बार से तो अब की बार महंगाई ज्यादा है। हर बार सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बार चेंज होगी उतना विकास होगा, क्योंकि जैसे हर बार नेता चेंज होता है, एक्चुअली पीछे को देख के जो अब बनेगा वो और सुधार करेगा, इसलिए यही कहना। तो लगता है कि इस बार भी चेंज की गुंजाइश है, हर 5 साल के होना चाहिए। और जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख रोजगार देंगे, तो वाकई कुछ उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब्स बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज? अब वो तो बाद में कंफर्म नहीं कह सकते ना, बाद में सरकार बदल जाए। सियासी पार्टियों की अपनी रणनीति है, जनता के अपने मुद्दे हैं। वोटिंग की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं, ऐसे में चुनावी दंगल आक्रामक होने लगा है। कसरत हर कोई कर रहा है, मगर कामयाब कौन होगा, तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। 1966 ये वो साल था जब पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र बनी थी। तब से लेकर 2024 यानी 24 के अखाड़े तक जहाँ पर कांग्रेस बनाम भाजपा या उससे पहले जनसंघ की जंग सामने आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ झाड़ू भी है, यानी झाड़ू के हाथ कांग्रेस के साथ है और इंडिया गठबंधन है। दूसरी तरफ भाजपा है, 10 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर अधिकांश में आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो उन्हें उम्मीद है कि जब विधायक हमारे हैं तो सांसद भी हमारा चुन करा सकता है, जबकि बीजेपी को नजर आता है 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड, जब दिल्ली की 7 संसदीय सीटों में से किसी में भी कांग्रेस और आपका खाता तक नहीं खुला। इस बार जंग वाकई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि गठबंधन के खिलाफ मोदी का मैजिक चलेगा या नहीं, ये देखना ही दिलचस्प होगा। 24 के अखाड़े में मुझे यानी राहुल डबास को दीजिए इजाजत, और हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार, पूर्वी दिल्ली का प्रोफाइल यहीं पर।